अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 के कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में वेलकम। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने देखना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री एजेस ड्यूरिंग विच मेन इन्वेंटेड एंड इम्प्रूव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। यानी अब कंप्यूटर की हिस्ट्री को टोटल तीन एजेस में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर उसकी जो इन्वेंट की हुई मशीनें थी और उनमें डिफरेंट मशीनें थी और उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई थी। पहली जो इसकी आती है वो है डार्क एज, दूसरी है मिडल एज, तीसरी है मॉडर्न एज। डार्क एज 3000 BC से 1890 AD तक थी, फिर 1890 AD से 1944 AD तक मिडल एज थी, और 1944 AD से लेके अब तक जो एज चल रही है वो मॉडर्न एज है। तो पहले हम डार्क एज की बात करते हैं। इन द डार्क एज ऑफ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स वर ऑल मैनुअल मशीन। यानी जितने भी इस डार्क एज में मशीनें बनाई गई थी प्रोसेसिंग के लिए, वो सारी की सारी मैनुअल थी। अब उन्होंने ये मशीन्स बताई हैं, इसकी कौन कौन सी है। पहली है अबाकस। अबाकस वॉज डेवेलप्ड इन चाइना अराउंड 3000 BC। इट इज द सिंपलेस्ट मैनुअल डिवाइस विच परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम विद बिट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑन वायर्स और रोड। अब यानी अबाकस 3000 BC में चाइना के अंदर बनाया गया था। एक सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए मशीन थी, और जिसका स्ट्रक्चर क्या था कि एक फ्रेम था, फ्रेम के अंदर वायर्स या रोड लगे हुए थे जिनके अंदर मोती होते हैं, इसको स्ट्रंग कहते हैं। इसके बाद की जो मशीन है वो है नेपर बोन्स, जो 1617 में बनी थी। इन 1617 जेम्स इन 1617 जेम्स जॉन नेपर्स अ स्कॉटिश मैथमेटिशियंस डिजाइन अ डिवाइस कॉल्ड नेपर बोन्स। हिज बोन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 11 बोन्स और रोड। अब इन 1617 जॉन नेपर्स नाम का एक स्कॉटलैंड का रहने वाला मैथमेटिशियन था, जिसने डिवाइस डिजाइन की थी जिसका नाम था नेपर्स बोन्स। अब इस बोन्स के अंदर टोटल 11, यानी इस मशीन में टोटल 11 बोन्स या रोड थे। प्रोडक्ट एंड कॉन्टेंट ऑफ लार्ज नंबर्स कैन बी ऑब्टेन वेरी इजिली बाय प्लेसिंग द रोड्स साइड बाय साइड। अब क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन करके या डिवीजन करके आप बड़े से बड़े नंबरों की मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आप हासिल कर सकते थे, रोड को साइड बाय साइड यानी साथ साथ रखकर आप हासिल कर सकते थे। उसके बाद आता है जी ऑर्डर्ड स्लाइड्स रूल, जो 1622 में बना था। इन 1622 एन इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑर्डर डेवलप्ड अ स्लाइड रूल बेस्ड ऑन नेपर्स लॉगरिथम दैट वाज यूज्ड बाय इंजीनियर्स एज प्राइमरी कैलकुलेशन। अब 1622 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था विलियम ऑथर, जिसने एक स्लाइड रूल बेस्ड मशीन इन्वेंट की थी जो नेपर्स के लॉगरिथम की बेस पे बनाया गया था, और इसको शुरू शुरू में इंजीनियर्स यूज करते थे कैलकुलेशंस के लिए। इट वाज कंसिस्ट ऑफ टू मूवेबल रूल्स रूलर्स प्लेस साइड बाय साइड एंड दीज रूलर्स हैव प्रोपोर्शनली मार्क डिस्टेंस। अब इसका तरीकाकार क्या था यूज करने का, कि इसके अंदर दो रूलर्स थे यानी दो स्केल थे जो साइड बाय साइड रखे जाते थे, और इनके ऊपर मार्क लगे हुए थे। बाय स्लाइडिंग द रूलर्स मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन कुड बी डन क्विकली। और इनको इनको रूलर्स को जब हम स्लाइड करते थे तो उनसे मल्टीप्लीकेशन और डिविजन जो है वो बहुत जल्दी से हो जाती थी। पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलीना भी नेक्स्ट है। इन 1642 यानी 1642 यानी इन 1642 अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, एक फ्रांस का रहने वाला मैथमेटिशियन था जिसका नाम ब्लेस पास्कल था, इन्वेंटेड द फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडल अ न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर। अब इसने एक न्यूमेरिकल कैलकुलेटर इजाद किया था जो व्हील की शक्ल में था यानी घुमाने वाला था। द ब्रास रेक्टेंगुलर बॉक्स आल्सो कॉल्ड अ पास्कलेन। ये एक रेक्टेंगल में था, ब्रास का यानी पीतल का बना हुआ था रेक्टेंगल बॉक्स है जिसके अंदर एक व्हील लगा हुआ था कैलकुलेशन के लिए, इसको पास्कलेन भी कहा जाता है। यूज्ड एट मूवेबल डाइस टू ऐड नंबर्स अप टू 8 फिगर लॉन्ग। अब इसके अंदर 8 मूवेबल डायल थे जिसके थ्रू आप नंबर्स यानी 8 फिगर्स जो हैं आप इसके अंदर डाल सकते। यानी एक नंबर अगर आपके पास लिखा हुआ जैसे ये 1642 अगेन 1642 इसके साथ लिख दें तो टोटल 8 डिजिट हो जाएंगे, 8 डिजिट तक का नंबर आप इसमें डाल सकते थे। इसके बाद इसमें आ रहा है दिस कैलकुलेटर परफॉर्म ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन।
ये कैलकुलेटर सिर्फ जमा और माइनस यानी प्लस और माइनस ही कर सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद आया था जी लेबनीज कैलकुलेटर इन 1673 अ जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर गॉटफ्रीड डब्ल्यू डॉट वॉन लेबनीज इन्वेंटेड अ बेटर कैलकुलेटिंग डिवाइस एज कम्पेयर टू पास्कलेन डिवाइस विच ओनली एडिड एंड सब्ट्रैक्ट बट लेबनीज डिवाइस कुड ऑल्सो मल्टीप्लाई डिवाइड एंड स्क्वेयर रूट। अब सिंपल क्या हुआ जी कि जो जर्मन मैथमेटिशियन है और फिलोसोफर है गॉटफ्रीड, इसने पास्कल की डिवाइस से एक अच्छी डिवाइस बनाई थी, कैलकुलेटर अच्छा बनाया था जो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड और स्क्वेयर रूट भी निकाल के दे रहा था। इसके बाद आता जी अर्थोमीटर 1820 में बना था। 1820 में चार्ल्स जेयर थॉमस डी कोलमर अ फ्रेंच मैन इन्वेंटेड, ये भी फ्रांस का रहने वाला था। इसने अ मशीन इन्वेंटेड अ मशीन डेट कुड परफॉर्म द फोर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी इसने एक मशीन ईजाद की थी जो चार बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकती। कौन कौन से? मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, ये चार अर्थमेटिकल जो ऑपरेशन है ये कर सकती थी। इसको कोलमर मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता था। द अर्थोमीटर प्रेजेंटेड अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टू कंप्यूटिंग बिकॉज इट कुड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली वर्क कर रहा था क्योंकि ये चारों चीजें कर रहा था, ऐड कर रहा था, सब्ट्रैक्ट कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था और डिवाइड भी कर रहा था। यानी जो एक सिंपल कैलकुलेटर हमारे पास काम करता है ये वो काम कर रहा था। इसके बाद आया जी बेज इंजन आया था। चार्ल्स बेज ने 1822 में एक इंजन बनाया, प्रपोज अ मशीन टू परफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड अ डिफरेंस इंजन, यानी एक ऐसा ही डिफरेंस इंजन बनाया था जो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करती थी। विच वॉज डिजाइन स्पेसिफिकली टू कंपेयर पॉलिनोमियल द सम ऑफ टू और मोर टर्म सच एज एक्स प्लस फोर। यानी अब देखे क्या बता रहा है कि दो या दो से ज्यादा जो आपके पास नंबर्स हैं उनके एडिशंस के लिए। यानी अब यहाँ पे पॉलिनोमियल कैसे है कि यहाँ पर एक अननोन है आपके पास एक्स प्लस फोर, यानी ऐसी अननोन इक्वेशंस के भी सम को ये कर सकता था। उसके बाद है जी ही ऑलवे आल्सो डेवलप्ड एन एनालिटिकल इंजन इन 1833। इसने 1833 में भी एक इंजन बनाया, इसको नाम एनालिटिकल इंजन बोला गया, टू मेक कैलकुलेशन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेट इंफॉर्मेशन। यानी अब क्या हो रहा था कि इसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते थे और जो कैलकुलेशन हो रही थी वो स्टोर इंफॉर्मेशन के बेस पे भी कर सकता था। इट वाज अ काइंड ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहलाता था। इसके बाद आती है जी हमारे पास मिडिल एज जो 1890 से लेके 1944 तक थी। इन 1889 डॉक्टर हेमन होल्थर डेवलप 3x5 इंच पंच कार्ड टू रिकॉर्ड डाटा। अब इन्होंने पंच कार्ड बनाए थे जो 3x5 इंच के थे जो डेटा को रिकॉर्ड करते थे। ही ऑल्सो इन्वेंटेड अ बॉक्स टू सोर्ट द डेटा एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक काउंटिंग मैकेनिज्म टू टैबुलेट द डेटा। और एक उन्होंने एक ऐसा बॉक्स भी बनाया था कि जिसके अंदर आप डेटा को सोर्ट कर सकते थे, यानी डे वाइज आप उसको स्टोर कर सकते थे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटिंग भी थी और मैकेनिज्म यानी मैग्नेटिक काउंटिंग मैकेनिज्म था, यानी जो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक के जरिए इसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर होता था। टू टैबलेट द डाटा, डाटा को टैबलेट करने के लिए डॉक्टर जेम्स इन्वेंटेड अ 20 कॉलम पंच मशीन। इन्होंने डॉक्टर जेम्स ने 20 कॉलम पंच मशीन जो है वो इन्वेंट की थी विच कैन प्रोसेस 200 to 275 कार्ड पर मिनट, जो 200 से लेके 275 कार्ड जो है पर मिनट यानी फी मिनट में प्रोसेस करता था। इन 1931 डॉक्टर वैनर बुश एंड हिज कोलीग बिल्ट अ ह्यूज मैकेनिकल कैलकुलेटर फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डॉक्टर वैन बुश ने और उसके कोलीग ने 1931 में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था जो बहुत बड़ा था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता था। अब मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज बिगन विद द इन्वेंशन ऑफ मार्क वन, ये सबसे पहला कंप्यूटर कहलाता है, इसको मार्क वन कहा जाता है। एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर विच वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब ये अर्थमेटिक के साथ साथ लॉजिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर रहा था। मार्क वन वॉज बिल्ड बाय IBM कॉरपोरेशन, IBM जो कंपनी है कंप्यूटर बनाने वाली उसने मार्क वन बनाया था। इट वॉज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस लाइक कैलकुलेटर, ये भी एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है जिस तरीके से कैलकुलेटर होता है।
और आज का जो होमवर्क है आपका ये क्वेश्चन था, व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो जितना भी हमने लेक्चर देखे सारे का सारा लेक्चर इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप उसके नीचे विद हाइडिंग्स उसको लिख देंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।